मैंने पूछा सूरज से तुम क्यों इतना जलते हो और सुबह से शाम तक क्यों इतना चलते हो। उसने कहा मैं जलता नहीं, जलाया गया हूँ और किसी बेवफा के याद में सताया गया हूँ। भैया हम आपके भोजपुरी की सुनाव जा रहा बानी कि भइल बा हालामू हाला मेरा, भइल बा हालामू हाला में काहे रोवा ताड़े रे पूजावा, बैठी के दूताला में काहे रोवा ताड़े रे पूजावा, बैठी के दूताला। इना समझिए कि बानी बेसहारा, सबके सहारा दिले ऊपर वाला, सबके सहारा दिले ऊपर वाला। भइल बा हल्लामू हाला में हा, भइल बा हल्लामू हाला में काहे रोवा ताड़े रे पूजावा, बैठी के दूताला में काहे रोवा ताड़े रे पूजावा, बैठी के दूताला। पाल जी ने बहुत ही बेहतर गाना आपको सुनाया, व्यवसाय गाना, और इनकी आवाज में बहुत ही दर्द झलकता है, बहुत ही करुणा की आवाज में आपको गीत संगीत सुनाते हैं, और शायद इसीलिए तो जनता इन्हें इतना प्यार और मोहब्बत देती है, इनको इतना चाहती है। इनके जो आवाज है यूं कहा जाए तो हमारे पूर्वांचल के आवाज के जादूगर कहे जाते हैं हमारे इकबाल जी, क्योंकि संगीत की दुनिया में इनका एक अलग ही पहचान है। यह सिर्फ हमारे यूपी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, नेपाल, सऊदी अरब, कतर, दुबई तक के लोग इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, और इनके इस कला जो भी है संगीत उस पर इनका हौसला बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सुना इकबाल जी को, और भी आपको हमारे मोहित फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से आपके बीच में तमाम तरह के वीडियो इकबाल जी का आता रहेगा, और आप हमसे बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और भी तरह तमाम प्रकार के वीडियो आपके बीच में आएगा। और हम कहना चाहेंगे अपने करण बाबू से, जो कैमरामैन है, वो भी हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो चार शब्द बोलें। सबसे पहले तो सब भोजपुरिया लोग के गोर छूते गोर लगाते हैं, और बता दे चाहते नहीं कि हमारे साथ में जो है कि इकबाल धनौजिया जी, आज हम लोग इनका शूट किए हैं, और अगर इनका वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। मोहित फिल्म प्रोडक्शन से इनका बहुत जल्दी वीडियो और ऑडियो दोनों आने वाला है, और इसी विजय पार्क में शूट होगा, और आज हुआ है कुछ। आप लोग मोहित फिल्म प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपके अगले वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।